तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे हेट मिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब नया पपी लाते हैं या फिर डॉग आप रखते हैं तो उसे कैसे रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी और आपके डॉग के लिए भी, तो ज़रूर से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो गाइस, हमारे चैनल पे जल्दी ही 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, यानी 5,30,000 सब्सक्राइबर होने वाला, तो जल्दी से पूरा कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करना। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लेने का। अब मतलब अब कहाँ से पपी लेते हो या फिर बाय करते, हमेशा लोग क्या करते कि जल्दबाजी करते। मैंने ऐसे मेरे फ्रेंड भी देखे और मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग ने डॉग लिया है, तो वो भी काफ़ी जल्दबाजी करते। कभी कभार क्या करते, जैसे उनको डॉग लेना है या फिर छोटे बच्चे जीत करते या फिर उनको भी एक डॉग चाहिए होता है फैमिली मेम्बर की तरह, तो वो जाके किसी से भी पूछ लेते कि डॉग है कि नहीं, बट वो पूरी तैयारी नहीं करते कि उनको किस कैटेगरी का चाहिए, किस ब्रीड का चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे डॉग आपको मार्केट में मिल जाएंगे गाइस, जो कि सस्ते भी होंगे, महंगे भी होंगे, और आपको उससे भी एक्सपेंसिव चाहिए, विदेश से मंगवा के आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट किए हुए भी मिल जाएंगे। बट आप अपने नीड को समझ के, अपनी इनकम को समझ के, या फिर आप जितना टाइम उनके स्पेंड करना चाहते हैं, कितना कर सकते हैं, कितने फैमिली मेम्बर है, रूम कितने, घर कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप हमेशा डॉग चूज़ कीजिएगा। तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि जल्दी से सीखना। हमेशा अगर आप अपने डॉग को कहीं रखते हो या फिर घर पे लाते हो तो आप उसको ध्यान रखना है कि उसको समय लगता है कुछ ना कुछ नया नया सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि सारे ब्रीड एक साथ सीख लेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 15,000 का लाया, 16,000 का लाया, फिर या 1,00,000 रुपीज़ का भी अगर आप डॉग लेके आते हो तो आप सोचोगे ऑटोमेटिकली वो सीखेगा, तो ये गलत फहमी है। आपको उसको डिसिप्लिन के साथ साथ रोज़ मैनर्स सिखाने पड़ेंगे, आपको उसको ट्रेन भी करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि वो 2-4 दिन के अंदर ट्रेन हो। आपको पता होगा कि पोटी ट्रेनिंग के लिए भी उसको पोटी और टॉयलेट ट्रेनिंग करते करते उसको 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। और कभी कभी न्यू डॉग ओनर क्या करते हैं कि ज़्यादा करके डिप्रेस हो जाते हैं और उसके चलते डॉग को भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देते कि ये सीख नहीं रहा, ये जल्दी सीखता नहीं, कोई कोई तो मारते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ध्यान रखना है कि आपको नई नई बातें सिखाने के लिए या फिर एक अच्छे डॉग बनने के लिए उसको टाइम लगता है। किसी डॉग को साल भर का भी टाइम लग सकता है, इसलिए आप डेली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो जल्दी से जल्दी सीखेगा। और गाइस, अब बात करते हैं इनके खाने की। तो ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 मंथ तक डॉग को जो है नॉर्मली खाना, जैसे कि न्यू पपी को क्या क्या खाने को देना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना के रखी, तो जाके आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल उनको सेरेलैक्स वगैरह आपको देना है, ज़्यादा घर का खाना या फिर बचा कुचा नहीं देना है आपको। उतने तक आपको ट्रेनिंग भी उसको नहीं देनी। ध्यान रखना है, डॉग को कम से कम ट्रेनिंग स्टार्ट आपको 2 महीने के बाद ही करनी है, और घर पर लेके आओगे तो भी 1 महीने के बाद ही आपको घर पर लेके आना है। और बात करें खाने की, तो आपको घर का खाना अचानक से चालू नहीं करना है। पहले अगर डॉग ब्रीडर से या फिर उस कहीं से भी आप लेते हो तो उनको पूछना है कि इनको क्या क्या खाने को देते, तो वही आपको शेड्यूल थोड़े दिन चालू करना है, फिर धीरे धीरे आपको उसको और भी ऐड करना है। और बात करें डॉग फूड की, प्रोटीन न्यूट्रिशन की, तो वो जैसे वो 2.5 या 3 मंथ का हो जाता है उसके बाद आपको प्रोटीन न्यूट्रिशन का भी चालू कर सकते हैं। अगर उससे पहले आपका डॉग वीक है तो आप डॉक्टर के पास चेकअप करा के उसको सिरप या फिर मल्टीविटामिन वाली पाउडर वगैरह आती है वो सब भी आप दे सकते हैं, सिरप आती है वो भी आप उनको दे सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी गलती से कोई भी ऐसी चीज़ मत खिला देना जिसके कारण डॉग डाइजेस्ट ना कर पाके या फिर वॉमिटिंग कर जाए या फिर तीखा मीठा, ऐसे रेगुलर बेसिस पे भी उनको नहीं देना है। कभी कभी डॉग के बाल जा सकते हैं, कभी वॉमिटिंग, लूज मोशन ऐसा हो सकता है और डॉग की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है, तो उसका बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हैबिट्स। आप सभी को पता है कि डॉग अगर नया नया हो तो अगर आप उसको घर में कुछ भी सिखाते हो तो जल्दी से सीख लेता है और वही उस तरह से व्यवहार करता है। जैसे कि अगर आप पोटी ट्रेनिंग अगर उसको घर पे देते हो तो उसको पता चल जाएगा कि कौन से कोने में पोटी ट्रेनिंग करनी है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसका वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप घर में कोने में कहीं पर उसको पेपर डाल के उसके ऊपर वो करवा सकते हैं। नहीं तो उसके लिए केज भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वो बड़ा हो जाता है उसको बाहर आप ले जा सकते हैं धीरे धीरे करके, जब भी उसका वैक्सीनेशन पूरा हो जाने के थोड़े दिन बाद। तो ऐसे में उसको डॉग को पता चलेगा कि अपने को कब जाना है कब नहीं जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना कभी भी उसको डॉग को दे देते हैं, वैसा नहीं देना है आपको। उसको बाउल आता है, उसके अंदर ही उसको खाना देना है ताकि कभी भी वो आपके जो आपकी प्लेट हो, आपकी डिशेस हो, उसके ऊपर वो मुँह ना मारे। नहीं तो कभी कभार डॉग क्या पड़ा दिखा, कोई ना आजू बाजू देखा कोई है नहीं, तो डायरेक्टली खा लेता है। तो ऐसी सारी चीज़ें ना करें, उसका ध्यान रखना है। हालांकि कभी कभार डॉग ऐसे कर लेते क्योंकि अगर उनको ज़्यादा ही भूख लगी तो वो नहीं रह पाते, तो कभी कभार खा लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट डिसिप्लिन आपको पहले से उसको रखना है कि कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कब उसको नहलाना है, ये सब कुछ उसको हैबिट पहले से लगाओगे आप तो धीरे धीरे उसको भी समझ आएगा और उसकी जो ब्रेन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और वो समझता भी जाएगा। और बहुत सारे ऐसे डॉग ब्रीडर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, वो जल्दी से ही नई नई चीज़ें सीख लेते हैं, और किसी किसी को टाइम लगता है, वो बात आपको ध्यान रखना है।
और उसके साथ साथ ध्यान रखना, डॉग को हमेशा के लिए बांध के मत रखिएगा। चाहे आपके पास केज हो तो केज के अंदर पूरा दिन रखा है, ऐसा मत कीजिएगा। उसको प्रॉपर तरीके से वॉक, उसको खेलने दीजिएगा। अगर उसके पास टॉयस नहीं तो टॉयस ला के आप दे सकते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पता है कि उसके साथ टाइम कितनी बार खेलना है तो आपको उनको उतना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे पाते तो आप डॉग ना खरीदे तो ही अच्छा है, क्योंकि डॉग भी एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है। फिर एक छोटा बच्चा है, उसी तरह उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा उनके शैम्पूज आते हैं जो पपीज़ के लिए आते हैं, जो ब्रशिंग करने का ब्रश आता है, ऐसे बहुत सारे जो टॉयज एसेसरीज आती है वो भी आप जो है बाय कर सकते हैं। पपीज़ के लिए अलग फूड आता है वो भी बाय कर सकते हैं। एक मैंने अमेज़ॉन की लिंक नीचे दी है, आप जाके वहाँ से अगर बाय करना है तो आप कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल है हेटमिक्स व्लॉग, उस पर भी आप मैं व्लॉग्स के वीडियो डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी हुई। न्यू डॉग ओनर के लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो बनाई, तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना।